तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल में हम बात करेंगे स्लाइसर्स एंड फिल्टर के बारे में। देखिए स्लाइसर, स्लाइसर से पहले हम फिल्टर की बारे में जानते हैं, फिल्टर और फिल्टर में होने वाले प्रॉब्लम। जैसे कि हमने एक छोटा सा डेटा है और छोटे से डेटा पे हमने पिवट बनाया। मान लीजिए हमने प्रोडक्ट को फिल्टर में रख दिया और हमने नेम के हिसाब से टोटल क्वांटिटी बनाया हुआ। और यहाँ हमने मान लीजिए हम सीडी सिलेक्ट करते हैं तो सीडी का टोटल आता है, एक फिल्टर हो गया। अगर मुझे मान लीजिए मल्टीपल फिल्टर मानना है, जैसे मान लीजिए मुझे इसमें अपना सेल्स मोड भी करना, सेल्स मोड को भी इंक्लूड करना है। अब जैसे कि मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, इसको स्क्वायर सेल्स मोड को सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, हमें कैसे पता चलेगा कि सीडी जो है किसकी सेल्स मोड के साथ माने कि सेल नहीं हुआ। हमें एक एक करके देखना पड़ जाएगा, जिसमें नहीं होगा उसका डेटा जीरो आएगा। तो पहली प्रॉब्लम यहाँ होती है कि जब बहुत सारे हम सेल्स करते हैं तो हमें बहुत सारे फिल्टर्स इस्तेमाल करते हैं, तो ये पता नहीं होता है कि कौन सा फिल्टर किसके अंदर में है या नहीं है, जो डेटा है कि नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब क्या होता है कि हम लोग एक ही डेटा पे एक ही डेटा पे दो तरह के पिवट लगाते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी है और यहाँ पे मैं अपना अमाउंट भी डाल देता हूँ, तो नॉर्मल डेटा है तो देखने में ठीक है, लेकिन इस पे अगर हम चार्ट इंसर्ट करें तो दिक्कत होगा। देखिए हम चार्ट यहाँ भी इंसर्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही हम टोटल हटा देते हैं हमारे यहाँ पे क्वांटिटी का टोटल दिख जाता है, लेकिन जैसे हम यहाँ पे अपना अमाउंट डालते हैं क्वांटिटी नहीं दिखता है। ना दिखने के पीछे रीजन क्या है कि क्वांटिटी की संख्या बहुत ही कम है और आपकी इसकी संख्या अमाउंट की संख्या काफी ज्यादा है, तो वो इतना नीचे चला गया है कि विजिबिलिटी से ही बाहर चला गया। इसलिए हमें एनालिसिस करना है दोनों को, तो हमें अलग-अलग पिवट टेबल चाहिए। एक पिवट हमने यहाँ पे बना लिया नेम और क्वांटिटी, और दूसरा पिवट मुझे नेम और इस पे चाहिए, अमाउंट भी चाहिए। तो पिवट कैसे लगाएंगे? जब पिवट टेबल हम लगाते हैं तो यहाँ बोलता है एक्सटेंशन डेटा वर्कशीट, इस पे क्लिक करके आप अपनी लोकेशन चूज कर सकते हैं। यहाँ एक ही डेटा पे दो, एक ही सीट पे दो अलग अलग पिवट आप लगा सकते हैं, जैसे कि हमने नेम और यहाँ पे हमने अपना टोटल ले लिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब तक एक पिवट आपका कंप्लीट ना हो तब तक दूसरा पिवट यूज मत कीजिएगा, ठीक है? जब तक एक पिवट आपका कंप्लीट ना हो तब तक दूसरा पिवट आप यूज मत कीजिए। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर मान लीजिए हमने इसमें कुछ और फिल ऐड किया तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर इसको ओवरराइट कर देगा, इसलिए हमने ऐसा बोला आपको। अब प्रॉब्लम यह है कि अब यहाँ पे मैं दो या एक से ज्यादा भी बना सकता हूं। मैं यहाँ पे एफिलेटेड को सिलेक्ट किया तो ये देखिए ये पिवट इससे इफेक्टिव नहीं है। या मान लीजिए मैंने डीबीडी को सिलेक्ट किया तो देखिए ये पिवट पे कोई इफेक्टिव नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अभी तक इन दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं किया है। कैसे कनेक्ट होगा? तो हम दूसरे पिवट कर रखेंगे और यहां हम बात करेंगे स्लाइसर। तो स्लाइस मतलब कि एक फिल्टर की मदद से नहीं होगा, इसके लिए हमें कनेक्शंस के लिए स्लाइसर ही चाहिए होगा। तो मैं फिल्टर हटा देता हूं और स्लाइसर इंसर्ट करता हूं। स्लाइसर्स, मैं यहाँ पे सेल्स मोड, साइट, बाकी और भी चीजें लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट हमने ले लिया, फिर उसको अपने हिसाब से जहां अरेंज करना चाहे, जैसे अरेंज करना चाहे उस तरह से इसको आप अरेंज कर सकते हैं।
अब जैसे मान लीजिए हमने आईपीटी इंडिया सेलेक्ट किया, तो अभी भी फिलहाल मेरा एक ही डेटा इफेक्टेड हो रहा है, दूसरा पिवट जो है हमारा इफेक्टेड नहीं हो रहा है। तो क्योंकि हमने हमने जो स्लाइसर इंसर्ट किया है इस पिवट पे इंसर्ट किया है, हमने इस पिवट के साथ कोई कनेक्टिविटी की ही नहीं। तो क्या करना है, जस्ट इस पिवट पे क्लिक करना है, यहाँ पिवट टेबल एनालाइज में जाना है, यहीं पे आपको दिखेगा फिल्टर कनेक्शन, फिल्टर कनेक्शन पे जाना है और यहाँ प्रोडक्ट सेल्स मोड और साइट ये जो तीन है इसको सेलेक्ट कर लीजिए एंड ओके कर लीजिए। अब देखिए सेलेक्ट कर लीजिए, आया समझ में सर? अब प्रॉब्लम आती है कि चलो ये दो कर लिया, मैं जितने पीवट लगाऊंगा उतने के साथ आपको फिल्टर कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो दो प्रॉब्लम आती है कि मुझे फिल्टर लगाने के लिए बार बार डेटा पे जाना पड़ेगा, सॉरी पिवट लगाने के लिए बार बार डेटा पे जाना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट करके वापस यहां पे आना पड़ेगा, फिर इस पे अपना पिवट लगाना है। जैसे कि मैंने यहां पे मान लीजिए डेट वाइज हमने यहां पे टोटल लिया हुआ है, टैक्स लिया हुआ है, तो फिर इसके बाद हमें जाना होगा एनालाइज में फिल्टर कनेक्शंस में और फिर इसकी फिल्टर को कनेक्ट करना होगा जितने भी स्लाइसेस हमने ऐड किए होंगे। तो ये थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला लग रहा है, तो इसका एक और तरीका है। पहले आप एक बना लें, पहले एक पिवट को अच्छे तरीके से बना लें, फिर उस पिवट को कॉपी करके जहां मर्जी वहां पेस्ट कर लें। तो इससे दो फायदे हैं, डेटा में जाके पिवट लगाने वाला जो लंबा प्रोसीजर और ना करना पड़ेगा, लेकिन पूरा पिवट कॉपी कीजिएगा। इसके बाद अब मैं नेम वाइज नहीं चाहिए, मुझे प्रोडक्ट वाइज टोटल चाहिए, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डाल दिया, मुझे यहाँ पे क्वांटिटी का टोटल चाहिए, क्वांटिटी का टोटल डाल दिया। कुछ और इसमें चाहिए तो कुछ और भी हम इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे साइट भी चाहिए होगा, मंथ चाहिए होगा मान लीजिए, तो यहाँ मंथ भी हमने डाल दिया, या मंथ यहाँ डालना चाहिए तो यहाँ हमने डाल, और इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, बढ़ा देता हूँ। तो इससे दो फायदा हुआ कि आपको पिवट बनाने में आसानी हुई, और दूसरा जब हम स्लाइसर लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिक कनेक्टेड है, जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया सर? यस सर। श्रीकांत जी आपको समझ आया? हाँ सर। तो डाउट इसमें? नहीं सर। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन आपके पास इसके लिए एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन 13, 16, 19 होना चाहिए। अगर 2007 है तो आप इस फीचर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्लाइसर 2007 में वर्क नहीं करता है। तो आप लोगों के पास कौन सा वर्जन है? थर्टीन आपके पास लक्ष्मीकांत जी? है मेरा 16 है सर। हाँ, तो आप यूज कर सकते हैं। तो इस पे हम अगली क्लास में हम बात करेंगे डैशबोर्ड्स की, लेकिन उससे पहले आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें दो चीजें मैंने बताई, एक तो है कि आप दूसरे डिफरेंट डिफरेंट शीट्स पे कैसे यूज कर सकते हो, दूसरा चीज और भी है कि इसको हम शीट पे नहीं किसी और शीट पे भी ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस पे चार्ट इंसर्ट किया यहाँ पे, अब मुझे चार्ट को यहाँ नहीं रखना है, इसको कट करके तीसरे शीट पे रखना है। जैसे इसको हमने सेलेक्ट किया, हमने इंसर्ट कर लिया चार्ट, तो कट किया और हम इसको तीसरे शीट पे ले गए। तो ये तीसरे शीट पे हम चार्ट को तो ला ही सकते हैं, और चार्ट किससे कनेक्टेड है? मेरे पीवर्ड से कनेक्टेड है सर, हमारे पीवर्ड से कनेक्टेड है। तो हम स्लाइसर को भी कॉपी करके ला सकते हैं या कट करके ला सकते हैं, यहां से इसको कॉपी भी करके रख सकते हैं, मतलब कि दोनों पे वर्क करेगा ये कॉपी करने पे। वैसे मैं देखिए मैंने यहाँ पे फिल्टर डाल दिया, ओवरऑल आ गया, डीवीडी सिलेक्ट कर लिया तो पूरा डीवीडी का डेटा है, और आप यहाँ अपने इसमें देखेंगे यहाँ भी आपका डीवीडी सिलेक्ट है। तो आप मूव भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं।
कॉपी करेंगे तो स्लाइसर आपके दोनों पेज पे रहेगा, समझे? डैशबोर्ड की तरह इसका मूव कर सकते हैं। एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम क्लास में इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। ओके।